उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान को लेकर दाखिल किए गए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की शनिवार को जांच की गई। इस दौरान तमाम नामांकन पत्रों में खामियां पाई गई, जिसके चलते निर्वाचन प्रशासन ने बरेली की विधानसभा सीटों पर कुल 27 नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया। वहीं प्रत्याशियों की पर्चों की जांच में जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए कुल 111 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। हालांकि 31 जनवरी को होने वाली नाम वापसी प्रक्रिया में अभी प्रत्याशियों के पास अपना पर्चा वापस लेने का अवसर बकाया है, जिसमें कई प्रत्याशी अपने कदम पीछे भी खींच सकते हैं। निर्वाचन आयोग के KYC ऐप पर दर्ज किए गए डाटा के अनुसार रद्द किए गए पर्चों में राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के नदीक इकबाल, जन अधिकार पार्टी के भुवनेश कुमार शाक्य, फरीदपुर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राजा सेठ और भारतीय सुभाष सेना के 2 प्रत्याशियों समेत कई दूसरी पार्टियों और निर्दलियों के 25 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हुए हैं। साथ ही BJP प्रत्याशी डॉक्टर DC वर्मा और सपा के सुल्तान बेग की भी पर्ची का एक एक सेट रद्द हुआ है। वहीं आंवला विधानसभा से 12 प्रत्याशी, कैंट से 19 और शहर सीट से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही भोजीपुरा से 7, बिथरी चैनपुर से 16, नवाबगंज से 13 और फरीदपुर विधानसभा से 13 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम अंसारी के पर्चे को खारिज कराने की कोशिश की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी से लिखित शिकायत कर इस्लाम अंसारी पर बारादरी थाने में केस दर्ज होने की शिकायत की गई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रत्याशी इस्लाम अंसारी को बुलाकर स्थिति स्पष्ट की और उनके पर्चे को वैध पाया गया।